मॉर्निंग टू यू, सत श्री अकाल जी एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज तहे दिल से अभी को आपका वेलकम करती है आज के न्यू ब्लॉग में। आज है 1 अगस्त और अगस्त मेरा बर्थडे मंथ है, मतलब मेरा बर्थडे आएगा अगस्त में। तो कुछ लोगों को पता होगा जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो कोई बात नहीं, पता लग ही जाएगा क्योंकि ब्लॉग में शूट करती रहूँगी आगे। फिलहाल मैं घर पर अकेली हूँ, सुबह के 11:15 बज रहे हैं, रेडी हो चुकी हूँ, क्लास निकल रही हूँ। गाइस दुग्गल जी का आज डायलिसिस है, थर्सडे है तो डायलिसिस रहता है इनका, है ना। और समर के भी आज से स्कूल स्टार्ट हो गए हैं 1 अगस्त से, तो वो स्कूल गया हुआ है। और बस मैं भी निकल रही हूँ क्लास। और यार प्रे करो हम लोग का ना जल्दी हो जाए ट्रांसप्लांट। ये डायलिसिस के खर्चे ना इतने हो रहे हैं ना, इतने हो रहे हैं ना, बता नहीं सकती आपको मैं, कुछ चीज़ें नहीं बोल सकती आप लोग को ब्लॉग में, है ना। बहुत बहुत ओखा हो रहा है सिस्टम। मैं जितना कर सकती हूँ मैं ट्राई कर रही हूँ कि करूँ, बट आपको पता है खर्चे कितने होते हैं। और हमारा वैसे काम तो है नहीं कि मतलब कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं या ऐसा है वैसा है। मैं जितना ट्राई कर सकती हूँ मैं करती हूँ, मैं कभी हाथ पे हाथ रख के भी बैठ रहती, मेहनत कर ही रही हूँ, चाहे अपने सोशल मीडिया पे, चाहे अपने क्लास में, कर ही रही हूँ मैं, रुकती नहीं हूँ। बट फिर भी अब बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं अब लग रहा है ऐसा कि नहीं यार जल्दी हो गया। तुमको पीजे भी जाना है ना, तो अभी 2 तारीख को हमें कहीं पे निकलना है, तो कहाँ निकलना है मैं आपको बता ही दूँगी वो शाम तक को। और उसके बाद मैं वहाँ से आ जाऊँ, सेकेंड मतलब फ्राइडे को जाएंगे, तो फ्राइडे सैटरडे संडे, तो आई थिंक मैं मंडे को निकलूँगी PGI। बस मैं घुस जाती हूँ, उसके पीछे लग जाती हूँ, कुछ कर रहा है यार, अब कहीं से अप्रोच वगैरह लगवा के यार देखते हैं क्या भी होता है, करनी पड़ेगी चीज़ें अब तो जल्दी, क्योंकि डॉक्यूमेंट हमारे कंप्लीट है अब, है ना। तो अब देखते हैं उन्होंने हमारा केस रिजेक्शन में डाला है या होल्ड पे रखा हुआ है, कुछ नहीं पता। गॉड नो सब अच्छा हो, परमात्मा से प्रे करना आप लोग, ठीक है। बाकी फ्रस्ट्रेट बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे आती है ना, एक तो मेरा मेंटल हेल्थ भी थोड़ा सा आजकल डिस्टर्ब है, उसकी वजह से चीजों को थोड़ा सा मुझे वो करने को थोड़ा सा वो रहता, वो डिफिकल्ट लग रहा है। सर दर्द मेरा ठीक नहीं आ रहा, रात को मैंने सोचा था कि जल्दी सो जाऊंगी, नींद 1 घंटे की नींद आई मुझे रात के 12:30 बजे से लेके जगी भी हूँ मैं, है ना। हर 10 मिनट में नींद खुल रही थी। ऊपर से लाइट भी नहीं थी यहाँ पे, कम से कम 50 बार लाइट गई होगी, क्योंकि रात में बारिश हो रही थी तो लाइट आ रही जा रही ऐसा चला हुआ था। तो हेडेक हो रहा है मुझे गंदे वाला, है ना। जाके थोड़ी सी मैं मसाज करवाऊँगी, अब देखती हूँ कहाँ पर करवाऊँ। रिलैक्सेशन की ज़रूरत है उनको ना, भी मेंटली भी और फिजिकली भी। चलो क्लास निकलती हूँ, बाकी आपको बी स्ट्रॉन्ग। चलो भाई मिलते हैं अभी। तो यस गाइस, क्लास में अपने पहुंच चुकी थी कब का, सुबह 11 बजे, अभी फिलहाल दोपहर के 1 बज रहे हैं, है ना। तो आती सबसे पहले क्लास ली, क्योंकि स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो सफाई मेरा जो भी रहता है क्लीन व्लीन बाद में कर रही हूँ, झाड़ू वगैरह ही कर रही थी, सफाई वगैरह कर रही थी, क्लास लेके भेज दिया मैं उन लोग को, है ना, स्टूडेंट्स को। और फिलहाल थोड़ा सा मूड भी ठीक कर रही थी बैठ के, जो कि मेरा नहीं हो रहा, तो फिर सफाई कर रही थी। और मुझे लगा दुग्गल जी डायलिसिस करवा के यहीं पे आएगी डायरेक्ट, बट वो यहाँ आना के घर पहुँच गए, घर से फ़ोन कर रहे हैं घर आ जा। मैंने तो जाना नहीं था, 2 बजे तक जाना था घर, बट ये बुला रहे हैं। थोड़ी तबीयत दिन की ढीली हो जाती है ना आफ्टर डायलिसिस, तो कह रहे हैं एग लेती हुई आना, उनकी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही होगी इसलिए बोलते हैं ऐसे। तो घर निकल रही हूँ फिलहाल मैं, ना सफाई होगी हुई है मेरी। और आपको याद होगा यहाँ सामने डाइट में मैंने जो भी कुछ दिन पहले एक शो किया था, वो डांस वाला जो जजमेंट की थी, तो उसमें 7-8 बच्चों का मेरे सिलेक्शन हो रखा है, तो इन लोगों को तैयारी करवा रही है मुझे, तैयारी इन द सेंस की कोरियो करनी है मुझे 7-8 गानों की, वो भी कंपटीशन लेवल की। पर मेंटल हेल्थ मेरी ठीक है नहीं, पता नहीं कैसे करवाऊँगी। चलो काम तो करना ही करेंगे जैसे तैसे। तो फिलहाल मैं एग लेती हुई घर निकलती हूँ, तो आपको घर पर मिलती हूँ बस, ठीक है। और जो मुझे गुड न्यूज़ देनी है वो आपको मैं एंड के ब्लॉग के एंड में देख दूंगी, ठीक है, बन रहे हैं ब्लॉग में। घर आ गई हूँ,
रास्ते मुझे मैंगो वाला मिला बेचने वाला, तो घर के लिए कुछ मैंगो एंड अमरूद वगैरह लेकर आई हूँ। तो गली को बट खानी नहीं है चीज़ें। लेटे हुए लोग गली तो क्यों लेटे हुए? हाय हाय हाय, बड़ी देर तकती है तो अभी तो आई यार, अभी तो फोन किया आपने। मेरा ये कह रहा है वहां से निकल रहा मैं। हाँ घर में भी आके फिर मैं तुम यहाँ बड़ी देर में वो हेलमेट उतारी थी बेटा, उधर हेलमेट उतार के रख रही थी, वो लेने लग गई थी रास्ते में आम वगैरह ना, इसलिए थोड़ा सा आपके अंडे लेने लग गई थी। आम वाला मिल गया रास्ते में, वो लेने लग रही थी। अमरूद ऐसे कच्चे कच्चे से मिले हैं, ये खराब ले गया मैं। थक थक क्या करी जाती मासी, अब ठीक है तबीयत? चलो मासी ने तो कोई ना कोई काम छेड़ के ही रखना है भाई, कपड़े भी धो दिए मासी ने भाई। तो भाई यार सुबह से ना मैं घर की सफाई में लगी हुई थी, सुबह 7:30 बजे उठी थी सो के, क्योंकि नींद तो आ रही नहीं थी। तो मैं अपना रूम ड्राइंग रूम क्लीन करा, सोफे कवर वगैरह चेंज कर रहे थे और ये वाला रूम क्लीन करा। बाप बेटे ने घर का ना घराट बना के रखते हैं भाई गॉड। तो ये सब सुबह चेंज कर रही थी, सुबह सफाई वगैरह कर रही थी, कपड़े वगैरह रह गए थे मेरे धोने को, वो मासी ने धो दिए। लगी रहती है मासी नॉन स्टॉप, पुराने बुजुर्ग जो है भाई बैठ नहीं सकते ये लोग। आपको फ्रूट्स ना कंपलसरी लेके जाने पड़ेंगे साथ में, कुछ खाने को चाहिए तभी वीकनेस आती है। आज कह रहे मेरे को चक्कर आ रहे थे, बड़े मुश्किल से आया घर, मेरे को फोन ही नहीं करते, ऐसी चीजें होती है। जब भी तो मेरे को टेंशन होती है, तुम लोग बताते नहीं मेरे को। पागल ही है। 500 ग्राम ज्यादा निकल गया ना पानी, तो उसमें क्या फर्क पड़ गया? जब निकल जाता है तो थोड़ा सा साथ लेके जाया करो, ऐसी हरकतें करते हैं ये। पहले ही मेरा माइंड खोज खोज हो रखा है, वैसी चीजें टेंशन नहीं, टेंशन देते रहेंगे फालतू में मेरे को। एक वीक को सिर में दर्द हो रही, रात से ठीक नहीं हो रही। मेरे को जाना था हेड मसाज करवाने पर जा ही नहीं पाई। शाम पिंकी से करवाऊंगी पार्लर, पैसे थोड़ा देते हैं मेरे से वो, मेरे पार्लर वाले। जो चीज 500 की है वो चीज मुझे डिस्काउंट लगती है, इतना तो फायदा होगा ही ना उनकी किराएदार नहीं। चंपी नहीं करनी बेटा, मैं बाल वो भी करवाने, मेरे को सेट भी करवाने कल प्रोग्राम के लिए। तो शाम को ही जाऊंगी, पहले ऑयलिंग करवाऊंगी, फिर वॉश करवाऊंगी, फिर थोड़े से बाल ड्रायर करवाऊंगी जो भी करते हैं वो। ठीक है गाइस, अब खाना वाना खाते हैं हम लोग। हाँ तो गाइस वापस तैयार भी हो गए हैं क्लास जाने के लिए, खा पी के मैं सो गई थी, नींद आ गई थी मुझे 1 घंटे की। फाइनली 1 घंटा सोई। और ये कुछ सामान है जो कि मुझे लेके जाना है, पैंट मेरी ना बहुत लंबी है, कुछ छोटा करवाना है। और ये सूट मैंने लिया था एक मार्केट से काफ़ी पहले, तो ये मुझे सिलने देना था, ये सिलने दे रखा है जो कि मुझे कल के प्रोग्राम में पहनना था। अब संस्कृति को पूछूंगी अच्छा लग रहा कि नहीं, बट इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो रखी है, बहुत ठीक करवानी है। अगर आज होती है तो ठीक है यही पहनूंगी, अदरवाइज़ कुछ और पहनना पड़ेगा, कुछ और मेरे पास है भी नहीं पहनने के लिए। नहीं है ना, क्लास निकल रही हूँ मैं, टाइम मेरे बज गए हैं वही जो रोज़ बजते हैं, 4:30 होने वाले हैं, हुए हैं अभी। चलो जी क्लास से मिलती हूँ, ठीक है? आधी पंजाबी आधी हिंदी इंग्लिश कह रही। चलो गाइस, तो गाइस क्लास पहुँच गई हूँ मैं। ये मुझे सूट जो ठीक करवाने देना है वो देने जा रहे हैं, और आज देखिए कौन आई है, अपनी पुरानी मैडम। नहीं तुमको शर्म नहीं आएगी, तुमने क्लास की एनिवर्सरी मिस कर दी। मैम अभी क्या करती, मैं करूँगी, रुक जा मैं करूँगी बेटा, अभी रुक जा अभी। तो ये कौन था, मुंडी लगे क्या जो पता नहीं, यूँ यूँ कर रहा, मुंडी मरोड़ दूँगी ससुरे। चलो भाई, हाँ हाँ अच्छी लग रही, स्मार्ट लग रही, सेम सही हो रखे हम, ऑलमोस्ट सेम से कलर। सांची के घर जो ऊपर जो है मैम। चलो भाई आपको मिलते हैं अभी वापस क्लास में, संस्कृति बैठी हुई है, संस्कृति से मिलवाती हूँ। क्लास मेरी हो गई ख़त्म, और ये बालों के मेरे हाल देख रहे हो आप, चिप 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 जो भी हो रहा है। ये वॉश करवाने जा रही हूँ मैं भी, ड्राई भी करवा लूँगी। इनकी पंचायत चली हुई है तीनों की,
ठीक है भैया, अपुन गया, अपुन गया, एक घंटे कॉमिंग क्या करना, मैंने बंद हो जाएगा, इसलिए तो कहीं जा रही, मैं जा रही पार्लर, इसे काने के नीचे दो खींच के मैम मैम करवाई जा रही, चल आ जा। तो मैंने दो ही नहीं, शाम को ही अपना ड्राइव जैसा मुझे करना था वैसा तो एग्जैक्टली हुआ नहीं, बट ठीक है, काम चला देखो। ये सूट है जो मैंने बनवाया था, है ना, नया नया तो क्या मतलब, हाँ पहली बार पहन रही हूँ तो नया ही समझेंगे, ये मैंने कपड़ा लिया था तो पड़ा था सिलवाने के लिए तो उन्हें सिलवा दिया था, बट ये मना कर रहे हैं ये लोग कि ये लोग क्या नोनी और मासी कह रहे हैं कि थोड़ा डेली यूज टाइप का है ना वैसे ये, तो ये पार्टी वेयरिंग नहीं लग रहा थोड़ा, तो इसको ना पहन के हम कौन सा पहनेंगे, एक जो मेरा करवा चौथ पे था वो वाला या पहन सकती हूँ मैं, या फिर मैं पहन सकती हूँ ये वाला ही, मोस्टली तो मेरे माइंड में यही चल रहा है क्योंकि उसकी फिटिंग क्या है कैसी है, जो मैंने करवा चौथ पे सिलवाया था वो इंग्लिश कलर वाला, देखना पड़ेगा, भाई मेरा आने वाला है, भाई लेके जाएगा हमको, है ना, और बस कुछ नहीं, यही सेटिंग कर रहे हैं अपने आके। ये किसने रखी है यहाँ पे पगड़ियाँ, तो निकालो, चूज करो इसमें से कौन सी पहननी है, शर्ट कौन सी पहन रहे आप, तो बस यही सिस्टम चल रहा है, अभी मैं व्लॉग ना अभी एडिट करूँगी और जल्दी सोना है क्योंकि सुबह हम लोग निकलेंगे। हाँ मैं आपको गुड न्यूज़ तो अभी तक दी नहीं, तो कल गाइज मैं जा रही हूँ, बंद करो, तो कल गाइज हम लोगों का दूरदर्शन में वापस एक प्रोग्राम के लिए हमको इनवाइट किया हुआ है, जीवन साथी करके इनका एक प्रोग्राम आता है दूरदर्शन वालों का डीडी हिमाचल पे, तो उसमें हमको इनविटेशन है, तो हम लोग वहाँ जाएंगे, हमारा वहाँ पे कल प्रोग्राम है दोनों का, मेरा और इनका, जीवन साथी मतलब हस्बैंड वाइफ का एक शो रहता है इनका, तो वो लाइव आएगा कल दोपहर को 2 बजे डीडी हिमाचल से, ठीक है, तो आप देख लेना, बाकी अपलोड तो ये कर ही देंगे, बाकी क्लिप तो मैं डाल ही दूंगी, बट आप फिर भी लाइव देख लेना हमको जितना हो सके। और ये धोती सलवार बनी है इसके नीचे, अब कैसी लग रही है बताना। और कल इनका छोटे वाला भाई भी आ रहा है लुधियाना से, जो कि हमें अभी पता चला जस्ट, तो मे बी वो लोग हमसे पहले पहुँच जाए, हम लोग रात तक पहुंच पाएंगे गाइस, ठीक है, तो अपनों हम लोग अपनी सेटिंग कर लें, तो व्लॉग बस एंड करने आऊँगी मैं, भाई मेरा 11-12 बजे तक पहुंचेगा क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं पे गया हुआ है मक्खन। ओके गाइस, तो व्लॉग को एंड ही कर देती हूँ आई थिंक, है ना, व्लॉग को एंड करती हूँ यहीं पे, सुबह के व्लॉग में वापस मिलूंगी, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थंब दे दें, कमेंट भी कर दें, ठीक है गाइस, बने रहे हैं हमारे कल वाले व्लॉग में, कल वाला व्लॉग अच्छा रहेगा, मे बी मेरे साथ में श्रेया भी जा रही है, देख लेना व्लॉग में, ठीक है, बने रहे आगे के व्लॉग में, फिल्मी बंदे गंदे बंदे चला हुआ है मेरे सबकॉन्शियस में, निकल रहा नहीं वो, चलो बाय।